Kalwaji, with sir's humble request. Ji. I want to be a part of wo ek aapka jo ek date hai, ek itihas hai. Ji. Wo kaun sa saal tha? वो अगर तूने बताया नहीं 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 मैं नहीं 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 अगर तू बोला मैंने अरे मेरी मैंने कुछ कहा भाजी मैं ये नहीं बोल रहा पर आपको पता है सलीम साहब क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं पर सलीम साहब आपने वो मैच देखा था मैं कुछ और पूछ रहा हूँ भाजी सलीम साहब एक 1990 में मैच हुआ था वो मैच आपको याद है वकार यूनुस साहब बॉल करवा रहे थे कुछ नहीं हुआ था मैंने कुछ कहा ही नहीं भाजी कुछ नहीं हो थोड़ा सा जीरो पे आउट हो गए अरे मैंने हजारों सेंचुरियां बनाई वो तूने नहीं बताई पर एक जीरो मेरा 2000 बार बता दिया तूने मीडिया यही पकड़ता है बॉस गुस्ताखी माफ नमस्ते सलीम जी, नमस्ते सलमान जी, नमस्ते सुहेल जी, नमस्ते अरबाज जी। बैठे भाभी, बैठे भाभी। थैंक यू। सलीम सर ये हमारे पड़ोसी हैं बच्चा, उनकी वाइफ है तितली। ये भी हमारे पड़ोसी हैं, ये किसी की वाइफ नहीं है। सलीम सर ये ना हमारी भाभी है, वैसे तो उम्र इनकी 32 साल है, दिमाग 10 साल के बच्चे का है। एक्चुअली इनका कोई बुरा ना माने प्लीज है। अभी कैसे आना हुआ इधर कैसे मतलब मैंने ना देवर जी कभी अमीर लोग एक साथ नहीं देखे थे आज चार चार अमीर लोग और वो भी एक फैमिली के इतने हैंडसम गोरे चिट्टे लोग सर हमारी फैमिली के चार लोग इकट्ठे हो जाए ना तो ऐसे लगता किसी से मदद मांगने जा रहे हैं सर जी मुझे पता आपने शोले लिखी थी ना और दीवार भी लिखी थी ना मैंने भी दीवार पे लिखा था आपने लिखी आपको अवार्ड मिला मेरे को क्यों थप्पड़ पड़ा क्या लिखा था आपने दीवार पे मैंने लिखा था आई लव अरबाज खान सॉरी सर मैं आपके बेटे की बहुत बड़ी फैन हूँ मेरे को अरबाज सर इतने अच्छे लगते हैं ना एक इनकी फिल्म थी बेचारी लड़की छोटे कपड़ों में पहाड़ी इलाके में आग जगा के ऐसे ऐसे नाच रही थी लेकिन ये बंदा मुझे हाल कुछ स्माइल हो ऐसे खड़े मुझे लगता है इनको लिरिक्स नहीं समझ आए होंगे है ना अभी वो इनका करेक्टर ऐसा था गुस्से में रहते हैं वो भैया आपको शर्म आनी चाहिए उनके पापा बैठे बेटे के करेक्टर की बात करी जा रहे हो खैर बड़े बात कर रहे हैं हम बात करते पेरेंट्स लोग सर आपका मन नहीं करता कि आपके बड़े बेटे की शादी हो और आप भी वो बेबी पिंक कलर की पग होती है वो पहन के ऐसे रुमाल ऐसे बरात के आगे नाचे फिर ऐसे विदाई पे आप चिल्लर फेंके डोली के आगे आधे चिल्लर नाली में आधे इधर नाली वाले हम उठा लाए क्योंकि हम तो को चलते हैं आपका मन नहीं करता अभी देखो उनको नहीं करनी शादी तुम्हें क्या क्यों नहीं करनी है मुझे क्या सलीम सर ने जो लोगों की शादी पे लिफाफे भर भर के शगुन डाले हैं वो नहीं चाहते कि वापिस आए आए बड़े देखिए हम पेरेंट्स लोग बात करते हैं सर बेटा माने ना माने हम बुजुर्ग लोग हैं हमको फैसला लेना है आज सलीम सर आपको अपना बेस्ट देना है बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए ठीक है मेरे पास एक अच्छी लड़की है आज लड़की देखने की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं आज तो थोड़ी देर हो गई है कल पे रखते हैं मुखड़ा दिखाओ बिठा दो बेटा आगे ये इनकी भी हंसी निकल गई बताइए सर कैसा लगा मुखड़ा पता है भाभी ये तो मुखड़ा है अंतरा तो शुरू हुआ ही नहीं एक्सक्यूज मी क्या कमी है मुझ में क्या कमी है हेलो ब्रदर तेरे से ज्यादा अच्छी थी वैसे कपू तुमको प्रॉब्लम क्या है दो परिवारों के बीच में रिश्ता जुड़ने वाला है तुम क्यों बीच में कि दो परिवार बराबरी के भी तो होने चाहिए एक परिवार बैंड्रा से दूसरा बंदरों का नहीं नहीं
ससुर जी, मैं ना आपके सारे बच्चों का ख्याल रखूंगी और घर का सारा ख्याल मैं रखूंगी, डोंट वरी। कैसे रखेगी? पहले तूने मलाड़ में 6 करोड़ का काम पकड़ रखा है। कपू, तुमको क्या लगता है कि अगर मैं खान परिवार की बहू बन गई, तुम्हारे साथ काम करूंगी उसके बाद? अच्छा, आगे मुझे पता नहीं क्या बोलना, कॉन्फिडेंस देखो आप। वैसे सलमान जी, शादी के बाद ना मैं स्क्रिप्ट पढ़ के आपको सुनाऊंगी और फिर आपको हेल्प करूंगी कि यू नो बताऊंगी कि ये फिल्म करनी चाहिए या नहीं। आई विल हेल्प यू। ये तो तुमने अपने बारे में सोचा नहीं कभी कि ये शो करना चाहिए कि नहीं, जो तुम्हारी हालत वो कर रही है। तो अपनी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी मैंने? बहुत अच्छे से पढ़ी। एक मिनट देखिए, लड़का लड़की सामने है, अच्छी अच्छी बातें कर, अच्छी अच्छी बातें कर। सलमान जी, सबको पता आप इतने अच्छे पेंटर हैं, तो मेरी एक ख्वाहिश है कि आप मेरी भी पेंटिंग बनाएं। भाई बड़ा इजी है वैसे। अदरक नहीं होता, अदरक रखे ना दीवार पे, मुक्का मारो, बन गई पेंटिंग। सुनो भाभी, ये क्या आप क्यों बार बार के लेके आ जाती हो आप उसको? है? आपको पता है सलमान भाई के लिए कितनी लड़कियां तैयार है शादी करने के लिए? कौन है? कोई नहीं है। देख वो देखो, बैठे बैठे हाथ खड़ा कर रही लड़कियां। ये लो, इधर भी आ गए कंटेस्टेंट, पीछे उधर बांटूप में भी आ रहे हैं, वो देखो। शाम को टेलीफोन उठाने का जो शौक था, वो मैंने अपनी दुनिया में किसी का मतलब इतना पैशन देखा ही नहीं। अब मेरे सामने फोन रखा है, मेरे सामने फोन रखा है, घंटी बजी फोन की और मैं चश्मा उतारूंगा, कुछ चीज रखूंगा और मैं फोन उठाऊंगा, ऐसे वो हाई स्पीड में आके यूज करके फोटो फिनिश में उठाता था, समझा? तो हमारे यहाँ घंटी जब बजती थी तो हॉल में भी बजती थी और मेरे बेडरूम में भी बजती थी। अच्छा जी। तो मैं नहा के निकला और घंटी बजी, तो उसने वहाँ जाके एज पर वो जाके डाई मार के उठाया फोन और मैंने अपने बेडरूम में उठाया, तो मैंने कहा सलाम, तो कहता वालेकुम सलाम। तो मैंने कहा सलाम, मैं अंदर से, तो कहा वालेकुम सलाम बोला ना आपको, समझा? तो मैंने कहा सलाम, मैंने बेडरूम से बोल रहा हूँ। मैंने किसके बेडरूम से बोल रहा हूँ? अच्छा, उधर से वो लगे हुए जिनका फोन था, सलीम साहब। मैंने कहा यार हमको तो कंप्लीट करने दो, इधर हमारे घर को छोड़ रहा उन्होंने। तो बार बार वो, मैंने कहा सलाम, फोन रख। तो उसको, अरे आपने फोन किया है, मैं काय को रखूं? अंदर एक बीच में वॉल है बस, इसके बाद में गया हल्के और मैंने उससे कहा फोन रख। तू तो देखने लगा मेरी तरफ कि वो भी बोल रहा है फोन रख, ये भी बोल रहा है प्रॉब्लम है क्या ये। अच्छा, वो रात को वो अपना मिट्टी का हुआ था ना फेस पैक, हाँ जी हाँ जी, वो लगा के सोचा था, अब मुझे नहीं मालूम। तो अब मैं रात को आया पार्टी से और मैं रात को भी आराम से रिलैक्स, मैंने घंटी बजाई और दरवाजा खुला और एक क्रैक मिलती रहा। मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ी स्क्रीम लेके होगी। एंजेलिना, आप कहीं से सीखती है कि गॉड गिफ्ट है? आपने अपना नाम नहीं बताया। माय नेम इज सैफाली। सैफाली? सैफाली। सैफा। शिफाली। सैफाली। फ्रॉम सूरत, गुजरात। तो आप क्या करके दिखाएंगी? पेंटिंग। उसमें तो टाइम लगा जाता है काफी। नहीं, मैं बना के ही लाई हूँ। दिखाइए। अच्छा, ये पेंटिंग तो, अच्छा ये तो वही है ना जो स्कूल में सारे बच्चे बना लेते हैं। पर बहुत अच्छी है। ये पहाड़ है और घर है, नदी। ये हमारा घर होगा शायद। अगर हाँ मार दे। मतलब अगर सलमान भाई इंप्रेस हो गए तो ये आपका घर होगा। आपका घर होगा। नहीं नहीं, आपका सलमान जरूर हमारा घर। सूरत में है ऐसे पहाड़ वगैरह? नहीं है, बना लेंगे। उसने क्या है, पहाड़ भी बना लेंगे। पहाड़ बना लेंगे। भाभी बताओ फिर। टाइम वेस्ट कर दिया, निकलो यहाँ से। थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू सो मच। मतलब तुम, अरे नहीं नहीं, गर्ल्स को नहीं कह रही मैं, इसको कह रही, निकल यहाँ से, टाइम वेस्ट कर दिया। तू चल यहाँ से, चल दीदी, नहीं चल। थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू सो मच।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.